हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास फोर ईवीएस का एक क्वेश्चन पेपर ये सेशन एंडिंग एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री का एक्साम्पल पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स और सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर करिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू थिंक इज बिंग डन इन दिस पिक्चर आपको क्या लगता है इस पिक्चर में क्या हो रहा है सो so यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ खाना खा रहे हैं गुरुद्वारा में सो इन दिस पिक्चर पीपल आर ईटिंग टूगेदर इन अ गुरुद्वारा कौन सा रिलीजन से सिख रिलीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द नेम ऑफ द कम्युनिटी लंच शोन इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में जिस कम्युनिटी लंच को शो किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लंगर नेक्स्ट इज नेम प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर दिसगनाइज कौन सा ये प्लेस ऑफ वर्शिप है जहां पर इस तरीके के फीस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है so इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन गुरुद्वारा। के नाम लिखने हैं किन्हीं दो के जो आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं सो प्लेट एंड बाउल स्पून बकेट हां uh, जिससे वो सर्व कर रहे होंगे लेडल ओकेशन अमन प्रैक्टिस बींग फॉलोड बाई पीपल वाई टेकिंग मील लाइक दिस जब लोग लंगर खाते हैं इस तरीके के मील को टेक uh, करते हैं तो क्या एक कॉमन प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है गुरुद्वारा में कि सभी लोगों के सर के ऊपर स्का्फ होने चाहिए सो इट इज कंपल्सरी इट इज मैंडेटरी टू कवर हेड यूजिंग अ स्का टेकिंग मील लाइक दिस ओके नेक्स्ट नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड फिर से आंसर करना है क्वेश्चन को नेम द बिल्डिंग विजिबल इन द बैकग्राउंड यहां पर बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग विजिबल है ये क्या है ये है राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन एंड द स्टेट हुज इज एट द फर्स्ट और कौन सा वो स्टेट है जिसका टैब्लो सबसे आगे है फर्स्ट पोजिशन पर है टैब्लो मतलब झांकी तो ये है स्टेट ऑफ गोवा नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर फिर से एक और पिक्चर है और फिर क्वेश्चन को आंसर करना है एक करेंसी गिवन है नेम द कंट्री टू विच दिस करेंसी बिलोंग्स ये कंट्री किस करेंसी uh, किस कंट्री को बिलोंग करती है यूनाइटेड अरब इमारेट यू एंड राइट द नेम ऑफ बर्ड दैट यू कैन सी ऑन दिस करेंसी इस करेंसी पर यह कौन सी बर्ड आपको शो की गई है सो ये फॉलकन बाजे ना नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन नेम आ स्पाइस वो कौन सा स्पाइस है मसाला है दैट लुक लाइक अ नेल जो एक नेल एक कील के जैसे दिखता है एंड इज भी वो एक बर्ड है तो ये है लॉन्ग. कौन सी दो हैं हैं, हैं. जो एक्चुअली जिनकी roots हम खाते कैरेट. नेक्स्ट इज वॉट आर संड जब बहुत सारी सैंड एक जगह इकट्ठा हो जाती है एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलते हैं सांडूंस सो माउंटेन्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड डून्स नेक्स्ट इज वॉट इज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ पीपल ऑफ पोचमपल्ली पोचमपल्ली के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है क्लोथ्स को वीव करना वीविंग क्लोथ्स नेक्स्ट नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन राइट डाउन द डिफरेंस बिट्वीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथर्स ऑफ फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग में जो जैसे पहले खेती की जाती थी और मॉडर्न मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं तो ट्रेडिशनल मेथड में प्रोडक्शन कम होता था रेट ऑफ प्रोडक्शन इसमें है कम इज लो और यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई है क्योंकि एच वाई वी सीड्स वैरायटी वेराइटी सीड्स हम यूज करते हैं एंड देन uh, जो मशीन्स हैं ट्रैक्टर थ्रेशर उनको यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इज हाई ओके लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें मेन्यर यूज़ किया जाता है कोई ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते जो हार्मफुल हो सॉइल के लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए इट इज़ एनविमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इट इज नॉट एनवायरमेंट ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिज्म प्रिज्म क्या है प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जब लाइट उससे पास होती है तो वो सेवन डिफरेंट कलर्स में उसको uh, एक तरीके से सेपरेट कर देता है जो सेवन कलर्स होते हैं रेनबो के उसमें सो प्रिज्म इज A transparent glass which separates the light that passes through it into seven colors. Next is name the difficulties that Chuskit faced. चुस्कित ने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की एक तो वो स्कूल नहीं जा पा जा पाती थी क्योंकि रास्ते वैसे थे और दूसरा कोई गेम्स नहीं खेल पाती थी दूसरे बच्चों के साथ सो so, चुस्कित कुड नॉट do डू थिंग्स दैट अदर चिल्ड्रन कुड चिल्ड्रन do डू इक शी कु नॉट गो टू स्कूल और प्ले गेम्स एट्सेट्रा नाउ नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है मेक अ कंपेरिजन बिटवीन केरला एंड आबूधाबी रिगार्डिंग द पॉइंट गिवन इन कॉलम ए एंड कंप्लीट द डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर से है सो so, क्या डिफरेंसेस है केरला और धाबी में कंपेयर आपको करना है सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पर सो so, केरला में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज मलयालम और धाबी में अरेबिक करेंसी रुपी इंडियन रूपी और यहां पर है दिरहम फ्रूट्स कोकोनट और धाबी में है डेट पाम्स क्लोथ्स यहाँ पर है साड़ी एंड लुंगी और आबू धाबी में लोग लूज क्लोथ्स पहनते हैं लूज कॉटन क्लोथ्स क्लाइमेट यहाँ का मॉनसून वेट तो मॉनसून क्लाइमेट है और ये है ड्राई हॉट एंड ड्राई बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है ओके नाउ नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज नंदिताज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस नंदिता के मामा को उनके हाउस को चेंज क्यों करना पड़ रहा था क्योंकि वहां पर एक बड़ा होटल बनने वाला था सो नंदिताज मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज अ बिग होटल वॉज सपोज टू बी बिल्ट एट दैट प्लेस तो जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे उन सभी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था नेक्स्ट इज वाई शुड राइट ऑनियंस भी टेकन आउट एट राइट टाइम सही टाइम पर जो राइट ऑनियंस है उनको बाहर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है अदरवाइज वो ग्राउंड के नीचे रॉट हो जाएंगे खराब हो जाएंगे सो इफ राइट ऑनियंस आर नॉट या फिर राइट ऑनियंस शुड बी टेकन आउट ऑफ आउट एट राइट टाइम अदरवाइज ग्राउंड और फिर जितना भी हार्डवर्क है ऑल द हार्डवर्क ऑफ द फार्मर विल बी वेस्टेड नेक्स्ट वाई डज अ वेजिटेबल सेलर स्प्रिंकल वॉटर ऑन द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स पिछले दिन की वेजिटेबल्स पर जो वेजिटेबल सेलर हैं वो वॉटर क्यों स्प्रिंकल करते रहते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए सो टू कीप दजिटेबल्स फ्रेश द वेंडर्स स्प्रिंकल वाटर ऑन प्रीवियस डे वेजिटेबल्स नेक्स्ट इज वाई डू ईगल्स हॉक्स एंड वर्चर्स हैव हुक् शेप्ड बीक ईगल्स हॉक्स और वर्चर्स की जो बीक है वो हुप में क्यों होती है ताकि वो जो फ्लैश है उसको टेयर कर सके और खा सके सो टू टेयर एंड ईट द फ्लैश क्योंकि ये सभी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड अ बैलेंस डाइट बैलेंस्ड डाइट हमें लेना क्यों जरूरी है हेल्दी रहने के लिए स्ट्रांग रहने के लिए फिट रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए सो वी नीड अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड टू कीप आर सेल्फ active throughout the day next is why do birds make nests birds nests क्यों बनाती है वो nest में रहती नहीं है सिर्फ eggs lay करने के लिए और उनके जो बेबीज हैं, उनको रेज करने के लिए सो बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड टू रेज ंग वाउ नेक्स्ट इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाई डू पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया नीड टू टेक फ्लूड इन टेक जिसको डायरिया हुआ है उसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लूड लेना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में तो उसके लिए वो जरूरी क्यों है क्योंकि जिन लोगों को डायरिया होता है वॉमिटिंग होती है बहुत ज्यादा फ्लूड बॉडी से लूज वो लोग कर देते हैं वॉमिटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट फ्लूड लेने का ताकि वो डिहाइड्रेशन उनको ना हो सो तुम्हारा क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे पहले तो कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया एच ओ ई और वॉमिटिंग लूज बॉडी फ्लूड रैपिडली so it is important it's important to take in as much water as one can to avoid dehydration okay, next is why do people cover their heads in abu dhabi धाबी में लोग अपने हेड्स को कवर करके क्यों रखते हैं क्योंकि गर्मी वहां पर बहुत ज्यादा होती है तो सन की जो स्कॉचिंग हीट है उससे खुद को बचाने के लिए और जो लू चलती है हॉट विंड्स चलती है वहां पर उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सो पीपल कवर देयर हेड्स इन आबूधाबी टू प्रोटेक्ट देस फ्रॉम स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड दॉट विन्स नाउ नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाई शुड सीड्स बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ सीड्स को प्रॉपर डेप्थ पर सो करना uh, क्यों जरूरी है तो अगर बहुत ज्यादा अंदर हम uh, प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर अगर हम सीड्स को सो करेंगे बहुत डीप गहरे में अर्ट के तो वहां पर उनको एयर नहीं मिलेगी सनलाइट नहीं मिलेगी उसकी प्रेजेंस विदाउट उनकी एब्सेंस में वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे और अगर बहुत ऊपर रखेंगे तो जो मिट्टी है वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे या फिर हो सकता है बर्ड्स भी उनको खा लें तो इसलिए प्रॉपर डेप्थ पर सीड्स को सो करना इम्पॉर्टेंट है सो द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ टू इंश्योर देयर जर्मिनेशन ताकि वो जर्मिनेट हो एंड क्योंकि फाइव मार्क का क्वेश्चन है तो दोनों ही सिनारी uh, आप एक्सप्लेन करेंगे इफ़ द सीड्स अगर हम सीड्स को सो करते हैं टू डीप बहुत गहरे देन दे विल नॉट जर्मिनेट इन दी एबसेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट एंड इफ दे आर सोन